कि यू कैन स्टार्ट वॉर बट इट इज नॉट इन योर हैंड्स टू एंड इट। वही बात यमन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पिछले 7 साल से, उसमें अब जो कोलेशन फोर्सेस है दे वॉन्ट एग्जिट फ्रॉम इट, लेकिन उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि अब हम कैसे इस वार से छुटकारा पाएंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरों की तह तक ले जाने की कोशिश करते हैं और उसमें कुछ जानकार लोगों से मदद लेते हैं। अभी मिडिल ईस्ट में पिछले 17 जनवरी के बाद कुछ हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यमन के हूथियों ने यूएई पर कम से कम 3 हमले किए हैं, जिनको यूएई ने खुद कबूल किया है। इसके अलावा इराक के एक ग्रुप ने भी यूएई पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों का दावा किया है कि उन्होंने हमला किया है। उसके अलावा कल ही अबू धाबी में एक बिल्डिंग में आग लगी, जिसके फौरन बाद अमेरिकन एम्बेसी ने यह कहा कि ड्रोन और मिसाइल हमले और हो सकते हैं, यानी एक तरह से उन्होंने वार्निंग दी। लेकिन बाद में खबर वहां की सरकार की तरफ से बताई गई कि उस बिल्डिंग में गैस सिलेंडर के फटने का वाकया हुआ है। बहरहाल, जो भी हुआ हो, इन अरब मुल्कों में किस तरह से खबरों को रोका जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, वो सब बहुत से लोग, हम आप बहुत लोग जानते हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब। उनसे हम जानना चाहेंगे कि अब यमन की जंग किस मरहले में है, क्या ये खत्म होने की तरफ बढ़ रही है या ये और एस्केलेट होगी, आगे बढ़ेगी। एक तरफ ये कहा जाता है, वेस्टर्न मीडिया में हमेशा कहा जाता है कि हूथियों को ईरान की सपोर्ट है, लेकिन सऊदी अरब का जो अलायंस है उसको तो खुली हुई अमेरिका, इजराइल और बहुत से मुल्कों की सपोर्ट है। पूरा एक अलायंस है जिसका हिस्सा यूएई भी है। सऊदी अरब के बाद जिस मुल्क का नाम आता है वो यूएई ही आता है। अब क्या कुछ होगा, यूएई हुकूमत इसको कैसे इसका सामना कर सकेगी, अमेरिका ने और हथियार देने की बात कही है, इस सब पर हम जानना चाहेंगे शेख मंजूर साहब का तज्जिया, उनका क्या कुछ कहते हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप बताइए कि यमन जंग को अब जबकि यूएई पर हमले शुरू हो गए हैं, अब इस जंग को आप कहां देख रहे हैं, क्या कुछ हालात हैं जो जिस तरह से आप समझते हो? देखिए, इटालियन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे मैकियावेली, वो कहता है कि यू कैन स्टार्ट वॉर बट इट इज नॉट इन योर हैंड्स टू एंड इट। वही बात यमन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पिछले 7 साल से, उसमें अब जो कोलेशन फोर्सेस है दे वॉन्ट एग्जिट फ्रॉम इट, लेकिन उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि अब हम कैसे इस वार से छुटकारा पाएंगे। ये तो एक ये है। दूसरी बात, जब 2015 में जंग शुरू हुई तो वो जो कोलेशन फोर्सेस है 8-9 कंट्रीज का, उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान को भी इसमें ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये कहा गया कि हमारी फौजें इस जंग में हिस्सा नहीं लेगी, जिसकी वजह से सऊदी अरबिया और यूएई पाकिस्तान से नाराज भी हो गए और कहीं हद तक स्ट्रेन रिलेशंस कई सालों तक रही। लेकिन पाकिस्तान के जो फार्मर चीफ थे, वो उसके हेड बनाए गए, चीफ बनाए गए कोलेशन फोर्सेस के। सऊदी अरब और यूएई को खासकर यही दो मेन प्लेयर्स थे, उनको लग रहा था ये जंग कई महीनों के अंदर ही खत्म हो जाए, कुछ महीनों के अंदर ही खत्म। लेकिन वही हुआ जैसे अमेरिका का अफगानिस्तान में हुआ। उन्होंने तो पहले डिसलॉज किया तालिबान गवर्नमेंट को, तालिबान के जो सपोर्टर्स है कुछ वो पाकिस्तान भागे, कुछ दूसरे जगहों पर भागे, और वो बहुत लो रहे पहले 2-3 सालों के में, जब तक अमेरिका ने अपनी हुकूमत भी वहाँ की जो उनके सपोर्टेड हुकूमत करजाई की थी या अशरफ गनी की, वो रही। लेकिन 2-3 सालों के बाद वो
इतने एक्टिव हो गए, उन्होंने इन दोनों हुकूमतों के लिए वो सरदर्द बन गई। यही हाल यहाँ हुआ। पहले जब उन्होंने किया तो खोतीज पर बहुत बड़ा दबाव आ गया, यहाँ तक कि मंसूर हादी वापस गए और वहां पर उन्होंने कोशिश की हुकूमत संभालने की। लेकिन पिछले 3-4 सालों से वो तो गेन ही करते रहे, यहाँ तक कि कुछ वेस्टर्न एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि खोतीज ने ये वार जीत लिया है, उनका यहां तक कहना है। और ये जब हाल ही में उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने से यूएई को टारगेट बनाना चाहा, वो वार का जो थिएटर है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसका खतरा है कि इट में फ्लेयर अप, इट में काज मोर डिस्टर्बेंसेस इन मिडल ईस्ट। लेकिन यूएई के साथ ये है, शायद जो ताइज जो इनका इलाका है बड़ा, इस वक्त जो कोचीज का कंट्रोल है ऑलमोस्ट मेजॉरिटी एरिया पर है, सिर्फ ताइज पर उनकी लास्ट कोशिश थी कब्जा करने की, जिसमें यूएई की जो बॉम्बिंग, इंटेंसिव बॉम्बिंग हुई वहां पर, अभी तक वो रुक गया है। शायद इसीलिए उन्होंने टारगेट किया है उनको। लेकिन ये अब क्लियर है, दोनों कंट्रीज, बी इट सऊदी अरेबिया और यूएई, यही मेन प्लेयर्स है, बाकी जो थे उनका सिंबॉलिक प्रेजेंस था, जैसे जॉर्डन था, मराको था, सूडान था, इजिप्ट था, या बहरैन, उनकी सिंबॉलिक प्रेजेंस, यही मिलिटरली इन्वॉल्व थे। हालांकि जब वार स्टार्ट हुआ उस वक्त ओबामा की हुकूमत है, उसने भी उनको मिलिट्री, उन्होंने कहा कि मैं फोर्सेस नहीं भेजूंगा, सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट दूंगा आपको। और जब बाइडेन की हुकूमत आई ट्रंप के जमाने में, वो चीज को टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया। जब बाइडेन की हुकूमत आई तो उन्होंने उनको इस लिस्ट से विड्रॉ निकाला। इसके अलावा उन्होंने ये भी डिसाइड किया, जो अमेरिका अब लॉजिस्टिक सपोर्ट भी सऊदी जोर उनको नहीं देगा इस मामले में। लेकिन अब जो हालात है, अमेरिका भी अब इनको, एक तो है ही एलाइज है ही, यूएई और सऊदी अरेबिया का है, बहरेन का है, वो एक किस्म के दबाव में है कि इनको जो अभी हाल ही में उसने अपने जो मिलिट्री इक्विपमेंट वहां भेजा, ताकि वो इनको किसी तरीके से प्रोटेक्ट करे। सबसे बड़ा मसला है कि दोनों जो मेन प्लेयर्स है इसमें, वो चाहते हैं इस वार को खत्म करें। जी शेख मंजूर साहब, आपने कहा कि अभी शायद अमेरिका दबाव में है, यूएई और सऊदी अरब उसके पहले से एलाइज हैं, तो अब वो हथियार देने की बात कर रहा है। लेकिन कुछ महीने पहले जब तक यूएई पर हमले शुरू नहीं किए थे हुती ने, उस वक्त भी सऊदी अरब को कुछ नए हथियार देने की डील हुई थी। और जो बाइडन जब अपने ऑफिस में, व्हाइट हाउस में आए थे, यमन जंग करने की, बंद करने की बात कही थी, सऊदी अरब को हथियार ना देने की बात कही थी, अब तो ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, हमें याद रखना चाहे, अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री जो है उनके सबसे ज्यादा खरीदार जो है मिडल ईस्ट कंट्रीज है, खासकर गल्फ कंट्रीज है, वो इन पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। अगर आपने देखा ट्रंप के जमाने में, उस वक्त जो 350 बिलियन से भी ज्यादा डील हुई थी सऊदी अरब के साथ, उसमें $110 बिलियन जो है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ डिफेंस डील्स हुए थे। और इनका जो है, यूएई का भी यही हाल है, कुवैत भी मेजर डिफेंस पार्टनर है उनका, उन्होंने हाल ही में कतर को नॉन नेटो एलाई डिक्लेयर किया, उसमें भी वहां पर भी उनके जो बेसिस है हमेशा ये रहा है। अब कोई जो रूलर है यूएस का, वो भी वो ज्यादा एग्रेसिवली इस पॉलिसी को करता है। बाइडेन को सिर्फ सऊदी अरब के जो रिसेंटली वो डेवलपमेंट्स हुए क्राउन प्रिंस के साथ ज्यादा उसके जो रिजर्वेशंस है, अदरवाइज सऊदी अरब को अभी उन्होंने नॉन नेटो मेंबर नहीं बनाया, बल्कि 3 कंट्रीज है जिसमें कुवैत, बहरैन
और रिसेंटली जो कतर को बनाया, और वो दोनों में बैलेंस करते हैं, कतर और बैलेंस करते हैं उनको, क्योंकि कतर उनके लिए ज्यादा यूजफुल हुआ, इस वजह से उन्होंने फैसिलिटेट किया डायलॉग यहाँ पर, और वो उन्होंने प्रॉमिस किया इन केस यूक्रेन में क्राइसिस हो जाएगी तो जो उसके गैस रिक्वायरमेंट होगी वेस्टर्न कंट्रीज की वो उसको पूरा करेगा, जबकि सऊदी के साथ उनको हेल्प करना पड़ेगा उन्हें यमन में लड़ने के लिए। ये तो रिवर्स है ना पोजीशन इसमें ये। अच्छा एक चीज और जो जानने की है वो मैं जानना चाहता हूँ, पिछले दिनों कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने भी और इजरायलीज ने भी एक बात कही जो वहां के मीडिया में आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ऑलरेडी एक तरह से ईरान के इन्फ्लुएंस में है, वो अक्सर धमकियां हाँ। देता रहता है कि जब मैं चाहूंगा उसे बंद कर सकता हूं, और इसराइल के कुछ शिप्स पर हमले भी हुए कुछ पिछले कुछ महीनों में। अब बाबल मंदब जो रेड सी की तरफ रास्ता जाता है, जो यमन के शोर से किनारे से जाता है, उसको वो किसी तरह से ईरान के इन्फ्लुएंस वाले किसी भी ग्रुप, जिसमें खास तौर पे हूथियों का जिक्र किया जाता है, वो उनके कंट्रोल में जाने नहीं देना चाहते, क्या वो उसमें कामयाब हो पाएंगे? देखिए अभी तक कामयाब नहीं हुए, हूथीज जो है सरवाइव किए गए, साथ इससे पहले भी जो 15 में उनके खिलाफ जो है कोलेशन का वार हुआ, उससे पहले भी 3-4 साल वो मंसूर हादी की हुकूमत की उनको इनके लिए नाक में दम किया, जिसकी वजह से उनको सऊदी अरब भागना पड़ा, ये भी एक हकीकत है। वो इट इज नॉट सो इजी, और खासकर ये जो हूथीज जिस किस्म का वार लड़ रहे हैं, एक किस्म का गुरेला वार टाइप है, मिलिटेंट वार टाइप है, ये एक नॉर्मल वार नहीं है, इसको हराना बहुत मुश्किल है, और खासकर उन कंट्रीज के लिए अगर मेरे पास इक्विपमेंट भी होगा लेकिन वो स्ट्रेटजी नहीं हो, वो टेक्नोलॉजी नहीं हो, वो तरीका नहीं हो कि इनके साथ कैसे डील किया जाए। आप देखिए यूनाइटेड नेशंस की जो भी एजेंसीज है, एमनेस्टी है, वॉच ग्रुप है, या यूनाइटेड नेशंस का अपने रिपोर्ट, वो कहते हैं सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज यमन में बॉम्बिंग की वजह से, कोलिशन फोर्सेस की वजह से हुई। आज उस वक्त हाल ये है कि 30 मिलियन पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ हंगर स्टारवेशन, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं था, क्योंकि इनके टारगेट्स भी कई बार गलत हो गए, निशाने पर नहीं लगे। जो अभी रिसेंटली उन्होंने जो किया हमला, वो उसके बारे में भी बहुत सारे वेस्टर्न जो एजेंसीज हैं उन्होंने हदशा उसमें कहते हैं मैक्सिमम सिविलियन मर गए। ये जो है इस वार को लड़ने के लिए एक स्ट्रेटजी और एक नई, ये नॉर्मल वार नहीं है, इसको हराना इतना आसान नहीं है जब आपके पास इसका एक्सपर्टाइज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, और जो मैन पावर उसके लिए जाए कि यू नीड टोटली ए डिफरेंट फोर्स फॉर इट टू फाइट, वो नहीं कर सकते हैं ये, और इसीलिए और इसमें जो है बिलियंस ऑफ डॉलर अभी तक जो असेसमेंट की जाती है तकरीबन 80-90 बिलियन डॉलर्स दोनों कंट्रीज ने मेनली यही स्पेंड करेंगे। जॉर्डन तो कुछ नहीं कर सकेगा, या इजिप्ट क्या पैसा देगा, बहरान छोटी सी कंट्री है, वो क्या फोर्सेस करेंगे, उनके 200-400 लोग होंगे, तो बेसिकली इन्हीं के रिसोर्स यही जो है जल्दी कंट्रीज हैं, इन्हीं के रिसोर्स वहां पर खत्म हो रहे, ये इनको समझ में नहीं आता कैसे इसमें इससे निकलेंगे। अभी एग्रीमेंट जो किया था वो कहते हैं इसको इंप्लीमेंट करो हम निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब दूसरा साइड अब गेन कर रहा है, अब वो नॉट ओनली कन्फाइन अपने अटैक सिर्फ कन्फाइन सऊदी अरब पर नहीं कर रहा, अब दूसरे अब यूएई पर भी कर रहा है जो से बहुत दूर है, यूएई सऊदी अरब के साथ इसको 1700 से भी ज्यादा किलोमीटर सरहद लगती है, और जिसकी वजह से उसके जो बॉर्डर एरियाज बहुत टेंशन में रहते हैं। लेकिन यहाँ ये कामयाब हुए इतनी मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बावजूद वो अपने टारगेट्स में कामयाब हो गए। अच्छा शेख मंजूर साहब, एक बात है जो अक्सर लोगों के जहन में आती है, यमन का मुहासरा किया हुआ है, घेरा हुआ है 2015 से, और हुथी
किस तरह से वो हथियार बना पा रहे हैं, या उनको कहां से आ रहा है, या टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या कुछ है, किस तरह से, क्योंकि आप उस इलाके में बहुत बार गए हैं, क्या ज्योग्राफी किस अलाउ करती है कि उनके पास कहीं से कुछ पहुंच सके जिस तरह से घेरा हुआ है। देखिए सबसे बड़ी बात ये देखना, अरब स्प्रिंग के बाद जो वहां के प्रेसिडेंट थे कर्नल अब्दुल्ला सालेह, जो पहले नॉर्दर्न यमन के थे, फिर उन्होंने 2000 में साउदर्न यमन को भी खा लिया और प्रेसिडेंट बना, बड़ा पावरफुल आदमी था, लेकिन अरब स्प्रिंग के बाद उसको भी वहां से भागना पड़ा, क्योंकि होतीज ने ही उसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया और वो सऊदी अरब भाग गए, वहां ही वो मर भी गए और शायद उस पर अटैक भी हुआ था। उस दौरान ये जो इंटरवीनिंग पीरियड था, होतीज पावर में एक किस्म के पावर में रहे, हालांकि उस वक्त यही जो है मंसूर हादी को उन्होंने इंस्टॉल किया विद द बैकिंग ऑफ सऊदी अरब, ये लेकिन इनमें उनका जो नॉर्दर्न एरियाज में जो इन्फ्लुएंस रहा वो इस पर काबिज रहे कुछ, यानी कि जो गवर्नमेंट का उसको वक्त जो कर्नल सालेह था उसको सोवियत मिलिट्री इक्विपमेंट बहुत मिला था, बाद में वो शिफ्ट हुआ है थोड़ा बहुत टुवर्ड्स लीनिंग हुई है उसकी वेस्टर्न साइड की, उनको मिला है, ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि एरिटेरिया से उनको मिलता है, ये भी कुछ जैसे सऊदी और दूसरे ये भी कहते हैं कि ईरानियंस भी इनको दे रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें ये जो है बेसिकली अपने उनकी स्ट्रेंथ तो है ना, ईरान कितना दे सकता है, ईरान तो ये नहीं है कि जो 5-7 साल से वो सस्टेन कर रहे हैं इसको, वो 2-3 जहाज शिपमेंट से तो नहीं कर सकेंगे, वो इनका भी उनको कभी कभी उन्होंने ये इनके जो है आर्मी आर्मर डिपो है इन पर भी कंट्रोल किया, कहीं दूसरों से भी मिलता होगा। ये तो एक कंट्री जो खुद जो पहले इराक में भी था, कुछ उनका ईरान में ये सीरिया में भी है, वो इतना नहीं कर सकता कि इनको फुली कर सके। अभी अभी हूथियों ने ये जो मई में जंग हुई इजराइल फिलिस्तीन वाली, उसमें ऐसी खबरें आई उनके अल मसीरा टेलीविजन जो हूथियों के कंट्रोल में है, कि हूथियों ने हमास से कहा था कि इसराइल के आप टारगेट समय दो हम यहां से मारेंगे, यानी उनकी हिम्मत इतनी है, इतनी बढ़ चुकी है, या उनके पास इतनी ताकत है, ये खुद अपने आप में बहुत ताज्जुब की बात नहीं है कि वो इसराइल के खिलाफ भी, बल्कि उन्होंने बाद में ये ऐलान किया जब जंग बंद हो गई कि अगली जंग अगर होगी तो हम हमास के साथ फिलिस्तीनियों के साथ होंगे और हम मिलकर के जंग लड़ें। देखिए हमें तो पहले ही ये देखना है जो मैं पहले भी कहा है, तो इनका अपर हैंड हुआ है वार में, टोटली उनका अपर हैंड है, यानी कि इसी वजह से जो कोलिशन फोर्सेस है वो चाहते हैं एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, और कभी कभी वो कहते हैं यूएन जो जो जिनेवा में पीस टॉक्स हुए या यमन या ओमान जो कर रहा है इनके दरमियान मीडिएट, किसी तरीके से इस वार से निकले, लेकिन निकले कैसे, निकलने का रास्ता भी होना चाहिए ना, यू हैव टू, या तो आपको अमेरिका की तरह टोटली आपने सरेंडर किया, वो जो है जो कुछ है तालिबान खाया हमें कुछ नहीं है, इसके साथ लेना देना नहीं है, नहीं कर, नुकसान भी हो रहा है, इनके सैकड़ों जवान मारे गए, एक बार उनके जहाज वहां पर गिराए गए, सिर्फ बॉम्बिंग से मसला तो नहीं होगा ना, ग्राउंड में उनकी जो ग्राउंड पोजीशन जो है इनकी बहुत स्ट्रांगर देन कोलिशन फोर्सेस है, और इसीलिए और जितनी जितना ये जंग खिंचेगा इतना नुकसान कोलिशन फोर्सेस को होगा, न कि उनको, क्योंकि दे आर हार्डन्ड ये जो है ग्रुप्स है जो है आर्मड ग्रुप्स, उनको दे आर यूज्ड टू इट, लेकिन सबसे बड़ा है इस सारे जंग में जो सबसे वाइडली तबाही हुई वो कॉमन लोगों की हुई, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं मिल रहा है, इनको हेल्थ सेक्टर टोटली हुआ है, माइग्रेशन हुई है, 4 लाख के करीब मर गए हैं और हजारों जख्मी भी हुए हैं, इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार ये भी सामने आया जब भी यूएन की तरफ से एड भेजा गया ह्यूमैनिटेरियन एड, उसको ब्लॉक भी किया गया।
ये चीजें जो है। अच्छा 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 शेख साहब, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, यूएई ऐसी जगह है जहां बड़ी तादाद में भारत के लोग काम करते हैं, और हूथियों ने अब से पिछले 2-3 हफ्ते में कम से कम 2-3 बार ये एक तरह से ऐलान किया है कि जो भी गैर मुल्की हैं वो यहां से चले जाएं, आप महफूज नहीं हैं, ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं है। इस अगर ये जंग एस्केलेट होती है तो भारत पर क्या कुछ होने वाला, और बहुत से मुल्कों के बाद हम बात करेंगे, लेकिन भारत का क्या कुछ होगा, क्या क्या लगता है आप? कि यूएई खासकर सारे एंटायर गल्फ में तकरीबन 8 मिलियन के करीब इंडियंस काम करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा सऊदी अरब और यूएई में करते हैं, यूएई में तकरीबन 3 मिलियन कर रहे हैं। वो मुझे नहीं लगता है इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रिमिटेंसेस जो इंडियन गवर्नमेंट को आती है एनआरआई से, वो टू द ट्यून ऑफ $50 बिलियन सिर्फ वहां से आते हैं। लेकिन ये भी है, इन्होंने होतीज ने कहा है इसको दे वर नॉट सीरियस, यानी कि वो थोड़ा बहुत उनको ना एक थोड़ा दबाव में रखना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट वाले हमले में 2 इंडियंस भी मारे गए, उसके अलावा एक पाकिस्तानी भी मारा गया, इसलिए वो उनको एक कहते हैं कि ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसी, यानी कि जो इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है जहां जो बंदरगाहें हैं वहां से दूर रहो, बाकी चीजें जो है उसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाओ। ये बेसिकली एक इनडायरेक्ट वार्निंग है, काम अपना करो, दूसरी चीजों में इनके इन्वॉल्व मत हो जाओ। उसका असर नहीं पड़ेगा इतना हिंदुस्तान या इवन पाकिस्तान को या बांग्लादेश को, क्योंकि यही ज्यादा लोग वहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आपने देखा कि 2 दिन पहले इसराइल ने भी कहा कि हम अपने जो है एयर सर्विस जो है, बिकॉज वी फेस थ्रेट, अमेरिका ने भी कहा, वॉर थिएटर एक्सपैंड हो गया, वो नहीं कन्फाइन रहा सिर्फ सऊदी अरब पर ही जो मिसाइल या ड्रोन हमले कर रहे थे, अब इस पर भी हमले हो रहे हैं। ये उनके लिए अगर आइंदा कुछ और इसमें एस्केलेशन आ जाएगी तो बेसिकली यूएई की जो इकोनॉमी, खासकर दुबई की इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पर है, जो बाहर के है, उस पर असर पड़ेगा। और तो ये जो पूरी जंग है, आखिर में चूंकि लोगों के जहन में सवाल आता है कि आखिर ये जंग हो क्यों रही है, मुख्तसर अगर आप ये बता दें कि क्या क्या कुछ चाहता है सऊदी अरब और अमेरिका और इजराइल यमन से और हूथियों से? देखिए, बेसिकली इट इज अ वार, अगर ओपनली कहा जाएगा, बिटवीन 2 सेक्ट्स। एक तरफ यूएस बैकर जो है सल्फीज जो है, जिसका जो कयादत कर रहे हैं प्रेसिडेंट उनके, दूसरी तरफ जो 40% के करीब पॉपुलेशन है वो कहते हैं असर्ट अपने राइट्स करना चाहते हैं, और वो कहते हैं जो करप्शन पास्ट में हुआ है इनको साइडलाइन किया गया है, विक्टिमाइजेशन हुई है उनको, उनको डिसीजन मेकिंग में इक्वल शेयर दिया जाए। ये इसमें बेसिकली वही लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई को किसी हद तक इन द बिगनिंग, नॉट मैं कहता हूँ लाइटर पार्ट ऑफ, कर्नल सालेह जो था उसने उनको सपोर्ट दिलाई का बिगनिंग में, लेकिन 2001 ऑनवर्ड्स उसके खिलाफ भी ये होने लगे, कि जब मर्जर हुआ साउथ यमन का, उसके खिलाफ भी मर्जर ये होने लगे। बेसिकली एक तो आई कैन से सेक्टेरियन तो नहीं, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, एक एक स्कूल ऑफ थॉट का है, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट का है, और इसी में इसीलिए ये कहा जाता है एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट की कंट्री जो है इसको सपोर्ट कर रही है, दूसरा दूसरे को सपोर्ट कर रही है। लेकिन अल्टीमेटली हमें देखना चाहिए कंट्री जो था, जो यूनाइटेड भी हुई, 2 हिस्सों के बजाय एक बन गया, वहां पर अगर मिस गवर्नेंस रही, नेग्लेक्ट वहां के लोगों के राइट्स को किया जाएगा, एक बड़ी पॉपुलेशन जो है 35-40% है, इनको साइडलाइन, उनको
डिसीजन मेकिंग में अपना हिस्सा नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे हालात कहीं भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए ये हर एक के लिए है, एक तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं तभी कामयाब हो सकती है। हमें हम अफगानिस्तान के बारे में कहते हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, व्हाई नॉट इन यमन, उसमें इंक्लूसिव गवर्नमेंट क्यों ना हो। और उनकी तादाद यहाँ इतनी नहीं है, यहाँ फिर भी पश्तूज है 65 है, बाकी जो है 35 ही है, चाहे ताजिक है, उज़्बक है, हज़ारा, यहाँ हम कहते हैं वहाँ इनकी तादाद 40% है। उनको भी अपने राइट्स हैं, उनको भी अगर गवर्नेंस में है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में है या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, उनको भी इतने राइट्स दिया जाए तो मसला कहीं ना कहीं ये हल होने की तरफ। दूसरी बात, फॉरेन इंटरफेरेंस विदाउट एनी पर्पस नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन पॉलिटिकल पर्सनल कंसिडरेशंस, इट शुड नॉट बी बेस्ड क्योंकि आई एम द लीडर ऑफ द रीजन सो आई विल, ये जो है वो नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी रीजन फॉर इट। और वो रीजन क्या हो सकता है? रीजन हो सकता है मिस गवर्नेंस, अगर है दूसरे गवर्नमेंट, दूसरे लोग अपोजिट कर रहे हैं, लेट देम हेल्प इन रिजॉल्विंग दैट इशू, नॉट साइडिंग वन साइड। उसमें ये प्रॉब्लम कहाँ होती है, अगर ये लोग अगर कुछ इनके ये अगर एज ए मीडिएटर्स वो काम करते, ब्रोकर्ड पीएस करते इनके दरमियान, हो सकता है दे कुड हैव अवॉइडेड वॉर, अवॉइडेड वॉर, लेकिन वो पार्टी बन गई। पार्टी बनने से दूसरा तो नेचुरली उसकी जो है वो जो इसका जो न्यूट्रलिटी वो खत्म होती है। जी जी जी, वो हमें इस चीज को देखना चाहिए, ये हर एक जगह हो सकता है। आप राइट्स उनको दीजिए, अपने जो राइट्स, अब जो कहते हैं अब कभी एक फार्मूला पर भी पहुंचे थे, लेकिन जब तक बेसिकली आप वो एसर्ट करना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल राइट्स, क्योंकि वो इस कंडीशन में है, इस पोजीशन में है, दे डिमांड दैट आवर पॉलिटिकल राइट्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो ये मसला चलेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने इस जंग की वजह की बुनियाद भी बता दी कि कुछ लोगों के हक और इख्तियारात नहीं दिए जा रहे थे जिसकी वजह से ये यहां तक पहुंचा, और एक बड़ी तादाद है। इसको सिर्फ मसलकी अंदाज में ना देखा जाए बल्कि मिस गवर्नेंस की वजह भी है, और जब जिसको न्यूट्रल रहना चाहिए था वो न्यूट्रल नहीं बल्कि एक पार्टी के साथ हो गया, तो ये यहां तक हालात पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत पर आपने कहा कि कोई खास ज्यादा असर होने की उम्मीद नहीं है, यूएई पर जो एक तरह से धमकी है हुतियों की वो सिंबॉलिक है और वो सिर्फ कुछ इंस्टॉलेशन तक ही अभी तक वो उन्होंने हमले किए हैं। तो ये जो हमारे दर्शक हैं मिडिल ईस्ट में, यूएई में, खासतौर पर दुबई वगैरह में हमारे चैनल को काफी देखते हैं, तो उनके लिए मैं समझता हूँ ये एक अच्छी और खास खबर होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं, और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर जरूर शेयर करें।